चलिए मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करेंगे। उसमें देखिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करते हैं तो उसमें उनकी आय कुछ अधिक आ जाती है, लेकिन इसका तरीका मैं आपको इसका एकदम सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आय प्रमाण पत्र भरेंगे और उसमें जितना आय आप डालेंगे उतना ही वो लेखपाल आपका फॉरवर्ड करके दे देंगे। तो देखिए उसको किस तरीके से किया जाता है, उसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है कि किस तरीके से मुझे किस काम में इस आय प्रमाण पत्र को लगाना है। अगर आप उस काम में लगाते हैं और उसके लिए आप अगर एलिजिबल होते हैं, आपने आय में सही अपनी वार्षिक आय डाला हुआ है तो वो बिल्कुल सही उतना ही आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आपकी आय कुछ और है और आप उसमें आय को कुछ और दिखाते हैं तो उसमें भी आपका ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने जो आय प्रमाण पत्र में आय भरा होता है वो आय आपका नहीं आता है। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसको आय प्रमाण पत्र जब अप्लाई करेंगे तो उसमें किस तरीके से ये डिटेल आपको लिखनी होती है कि आप किस काम में इसको लगाने वाले हैं। तो देखिए बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप आय प्रमाण पत्र का आवेदन कर रहे हैं वो भी विधवा पेंशन के लिए या फिर वृद्धा पेंशन के लिए, तो इन दोनों कंडीशंस में आप आय प्रमाण पत्र को किस तरीके से भरेंगे। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो ये समझिए कि जो भी आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे वो बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन के लिए कैसे आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले जनसेवा केंद्र की आईडी को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे होम बटन पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आय प्रमाण पत्र कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुलेगा जिसमें एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको आधार नंबर फिल करना होगा और ओटीपी के लिए वेट करना होगा। तो चलिए आय प्रमाण पत्र पे हमने क्लिक कर लिया, यहाँ से हमने आधार नंबर डाल देना है जिस भी व्यक्ति का आप पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उस व्यक्ति का आपने यहाँ पर आधार नंबर उसका डाल देना है। तो चलिए मैं आधार नंबर जल्दी से यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को भी आपको फिल करना होगा और यहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है उसे आपको चेक करना होता है और यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने ये सभी चीजें फिल कर लिया है, अब यहाँ पे मैं इस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद उस आधार पे जिस आधार के कोई भी अगर जिस भी व्यक्ति का आप भर रहे हैं तो उसके आधार पे जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेते हैं और जैसा कि हमने आय प्रमाण पत्र कैसे आवेदन किया जाता है ये वीडियो हमने पहले भी बना चुका है तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं फिर से उस चीज को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का आप भर रहे हैं उनके पिता हो तो पिता का नाम और पति हो तो पति का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। अब उस व्यक्ति के माता जी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब यहाँ पे उस व्यक्ति के माता का नाम डालना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं माता का नाम डाल देता हूँ अब यहाँ पे उस व्यक्ति से आप पूछेंगे कि उनकी माता का क्या नाम है क्योंकि उनके आधार कार्ड पे माता जी का नाम नहीं दिया हुआ होता है। तो चलिए जब तक हम पूछ रहे हैं तब तक हम ये सभी चीजें फिल कर लेते हैं। हमने गांव को भी डाल दिया नाम और यहाँ पे मैंने तहसील को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उस गाँव का नाम सेलेक्ट करना होगा। हमने गाँव का नाम भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उपरोक्त पे मैंने क्लिक कर लिया। अब
यहाँ पे मैंने अपना ही नंबर डाल लिया ताकि मुझे पता चल सके। अब यहाँ पे कृषि आपको डाल देना है, जिस भी व्यक्ति का व्यवसाय हो उस व्यक्ति के व्यवसाय को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। परिवार के सदस्यों में नाम उसी व्यक्ति का आप डालेंगे और यहाँ पे व्यवसाय में कृषि डाल देंगे और यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको 46,000 ही डालना है। 46,000 46,600 रुपए रूरल के लिए होता है, अर्बन के लिए अदर क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे मैंने 46,000 डाल लिया और यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे मैं प्रमाण पत्र बनवाने का कारण सेवा योजन और यहाँ पे फोटो में आधार से ही क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप फिल करेंगे ये सभी चीजें फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आवेदन अभी तक अग्रेसित नहीं किया गया है एवं जनसेवा केंद्र हेतु विचाराधीन है। तो यहाँ पे जनसेवा केंद्र के लिए विचाराधीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आधार भी अपलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं संशोधन पे जाता हूँ और यहाँ पे संशोधन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर से कैप्चा को फिल करूंगा। यहाँ पे दर्ज करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिन मांगेगा, जो भी पिन आपने बनाया होगा। पिन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आके जैसे ही प्रोसीड ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म बिल्कुल अच्छे तरीके से भर दिया गया है। अब आप इस फॉर्म को देखना चाहें तो यहाँ पे मिस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे पेंडिंग वाले ऑप्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रमाण पत्र आया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए, मैंने जिनका फॉर्म भरा हुआ था ये कुछ दिनों बाद यहाँ पे आ गया है। 2 से 4 दिन 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ये प्रमाण पत्र आ चुका है। मैं इस प्रमाण पत्र को प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद, मोहर दस्तखत करने के बाद आप इसको उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सभी चीजें हमने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब यहाँ पे फिल करने के बाद, सॉरी, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ।